सर गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी भाई हल्के की सुबह हो रही है, देखो यार मतलब सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ वापस से सरंज के लिए। आपने लास्ट ब्लॉग देखा, मैं मतलब आपसे जो काली आया, बट भाई मेरे को 3 दिन हो गए घर आए हुए और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो मतलब मेरे को ना वही, जैसे आपको मैंने बताया क्यों मैं घर आया, तो कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, तो मेरे को वो बैंक और वो 2-3 चक्कर लगाने पड़ गए, तो दिन को पूरा बिजी रहता था, इसलिए मेरे को शूट नहीं किया। तो अभी हम निकलने लगे, पहले तो मैं जाता बस पे, अब चाचू कह रहे चाचू ने भी जाना ड्यूटी, उनकी ड्यूटी जम्मू, वो जाएंगे बाइक लेके, तो बोल रहे मेरे साथ ही चलो। अब जाऊंगा मैं यहाँ से चाचू के साथ जम्मू तक, वहाँ से आगे देखते हैं, शायद मैं ट्रेन पे जाऊँ और मेरा ये पहला ट्रिप रहने वाला। आप मतलब बिलीव नहीं करोगे यार कि मतलब जो आप कब से ब्लॉग बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ट्रेन पे कभी नहीं बैठे। मतलब ये ट्रेन पे मेरा ना फर्स्ट ट्रिप रहने वाला, अगर मुझे मिल गया। अभी देखते हैं 10:30 ट्रेन जाती है, उसकी टिकट मिल गई तो फिर मैं ट्रेन पे निकल जाऊंगा और मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा ट्रेन पे। और मुझे अभी ये भी नहीं पता कि वहाँ पे जाके टिकट कैसे कटवा देंगे, जनरल डब्बा कौन सा होता है, सुना ही सिर्फ आज वहाँ जाके पता चलेगा यार। देखते हैं, और मेरा ही मन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेन पे जाने का, तो काफ़ी गाड़ियाँ अपनी पहचान के जाती हैं और ट्रक भी जा रही है तो बस भी जाती है सरंज तक, तो मन है ट्रेन पे जाके बस चाचू पी रहे हैं चाय, वो पीते फिर निकलते हैं। स्वेटर भाई वहाँ तो गर्मी है, पर यहाँ से बाइक में जाओ तो ठंड काफ़ी लगेगी, इसलिए स्वेटर भी पहन लिया। अभी 6 बजे तकरीबन 10 बजे जम्मू पहुँच जाएंगे, 3 घंटे लगे जाएंगे, 10 बजे जम्मू पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से भी 10:30 ट्रेन लेके फिर सीधा भाई पंजाब जानी 2.0 के पास। देखते हैं वहाँ का उनका उसका कुछ काम हुआ, वहाँ से हिली या नहीं हिली। सुबह का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और घर वाले भी उठे क्योंकि नवरात्रे हैं और सभी को भाई जय माता दी, सबने नवरात्रे रखे तो मंदिर वगैरह जाएंगे। बस हमें चाचू का वेट कर रहा, वो ऐसे वहाँ से निकलते हैं, तो मैं यहाँ से सीधा इधर फिर हम निकल जाएंगे आगे, चाचू और निकल पड़े घर से। ठीक है भाई, फिर अब गाड़ी लेके आएंगे, चलते चलते अब। फाइनली 9 बजे जम्मू, धूप भी होगी और स्वेटर वगैरह हम पहन के थे, सब खोलनी पड़ेगी। यहाँ से चलते हैं मेटाडोर में रेलवे स्टेशन, फिर देखते हैं। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहने वाला है ट्रेन पे, और मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पहली बार जा रहा हूँ भाई, अब बिलीव नहीं करके पहली बार, तो बस अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। एक तो भाई मुझे पता नहीं चल रहा यहाँ पे टिकट ले लिया मैंने, 130 रुपये की पड़ी सरंज की यार, जनरल की ली है, वहाँ पे AC स्लीपर ये वो था। मेरे को वैसे भी खिड़की तक ही जाना है ब्लॉग वगैरह शूट करते करते आराम से। अब चलते हैं ऊपर, अपनी ट्रेन 10:30 बजे आएगी प्लेटफॉर्म पे, अभी कर रहे हैं ट्रेन का वेट, निकल पड़े यहाँ से। ये सामने भाई ऑयल, यहाँ से हम ऑयल लोड करते हैं, FCI भी यहाँ पे ही है। ये रहा भाई सामने FCI, यहाँ से हम FCI वगैरह लोड करते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ अंदर कितनी बार आया और मैं ट्रेन में मतलब पहली बार ही, ऐसे मेरे को बताया। अभी चल पड़े यहाँ से, निकल पड़ी ट्रेन जम्मू से ना, हम रफ्तार भी पकड़ ली और हमें खिड़की में जगह मिली, क्योंकि जनरल टिकट करवाई तो भाई बिल्कुल जगह नहीं अंदर। अभी अपने वो मेन रोड भी आएगी, यहाँ से हम निकलते हैं मुझवानी से, ट्रेन ऊपर से निकलती है, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला इस साइड का ना। और यहाँ पे काफ़ी ध्यान से बैठना पड़ेगा, सेफ्टी से पूरा पकड़ के। अभी आने वाला है भाई बड़ी ब्रह्मणा स्टेशन, और शोर काफ़ी रहेगा, यहाँ से हम सिमट गए वो आ गया स्टेशन, पर यहाँ पे रुकेगी नहीं। वो पार लगा सिमट का रैक, यहाँ से सिमट वगैरह हम भी लोड करते हैं जब बड़ी ब्रह्मणा से लोड करते हैं, पहले जम्मू से लोड होता था, अभी बड़ी ब्रह्मणा से लोड हो रहा है। और वहाँ सामने से हम भी पाइपें भरते हैं, कितनी बार भर के गए हम भी। पहुँच गए भाई कठुआ स्टेशन पे, मैं ना सेकंड AC पे खड़ा हूँ यार, वो वगैरह जनरल जाओ, जनरल में जगह ही नहीं है। अच्छा वापस आएंगे, चला जाऊँगा धीरे धीरे। तब कठुआ पहुँच के तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र अपना निकल ही गया, चल पड़ी कठुआ से भी अब आएगा लखनपुर ब्रिज, फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन से पार करने वाला हूँ, फिर अब रुकेगी आके सीधा पठानकोट पे, उसके बाद फिर मकेरियाँ पे। अब आने वाला भाई लखनपुर, ये नीचे आ गया टोल, यहाँ से हम टोल वगैरह कटवाते हैं। ये देखो ये रोड आ गई, ये टोल गड़ो के यहाँ से निकलते हैं हम, और फर्स्ट टाइम भाई ट्रेन पे जम्मू से पठान मतलब पंजाब वो लखनपुर सिटी। पठानकोट भी कर दिया पर हम पंजाब में इंटर हो गए, वो सामने अपनी रोड है NH 44, वहाँ से तो कई बार गया भाई, यहाँ टनल भी है, अच्छा डमडाल चढ़ाई चढ़ते हैं, ये टनल से अंदर से जाएगी, मुझे लगा था टनल होगा ये, हम पहुंच के भाई डमटाल के उतराई उतर गए, और ट्रेन को कोई चढ़ाई नहीं है, ट्रेन बाहर से घूम के आ गई।
हल्की हल्की चलाई थी, धीरे धीरे आप स्पीड भगना शुरू की इसमें। ढाई बज गए और भाई हम पहुंचे जलंधर। इतना रश देखो, पहुंच के लुधियाना स्टेशन पर भाई इतना बुरा हाल वहां देखो। इतने सवारियों को चलने के लिए जगह ही नहीं है, जैसे बस में होता है ना कि सवारियों को जगह ही नहीं, वैसा ही है। यहां पे भीड़ देखो अंदर, बस खिड़की में जगह मिली है, भूख भी इतनी लगी है, वहां पहुंच के खाना खाएंगे। एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं तो। पहुंच गया सरहंद पर भाई, सबसे ना बेकार ट्रिप। अब पता नहीं यार, वो मैंने जर्नल कर लिया इसलिए अगली बार एसी करके आऊँगा, से थर्ड एसी। इतना परेशान हो गया ना सुबह से, मैं अच्छे से बैठ नहीं पाया अभी तक, टांगे दर्द हो गया। मैं करता हूँ केएस वाले भाई को फ़ोन, सुरेंद्र भाई को लेने आ जाएंगे मेरे को। ये रास्ता किधर से है, यहाँ से कहीं से है बाहर जाने का रास्ता। पहले कुछ खाऊंगा यार, इतनी भूख लग रही है ना, अपनी हालत भी पूरी ख़राब हो गई। पहले कुछ नहाना धोना जाके, पहले से बाहर निकले कुछ खा के, फिर केएस वाले भाई को फ़ोन करता हूँ, बोलूँगा आ जाओ भाई लेने। अब सुरेंद्र भाई अभी घर पर थे, उनको मैंने बोला आ जाओ। वहाँ से देखो लेफ्ट अम्बाला, राइट खन्ना है और अनुज सेंटर में, मतलब सरहंद में। अब भाई आए लेने के लिए, चलूँ मैं एक बार सीधा रूम में यार, कपड़े वगैरह चेंज करें, मिस्त्री भाई सबसे मिले और देखें अपने जानी 2.0 वहाँ से हिला भी है या नहीं हिला। आ गए भाई लेने के लिए, एक सब्सक्राइबर भाई आए थे उनके साथ, वो भी आ गए। ओ सामने गाड़ी, मैं पूरा हालत ख़राब हो रखी है यार, किसी से मिलने की हालत में मेरी इतनी शक्ल पूरी ना ख़राब हो रखी है। चौक में इतना ज़्यादा रश है ना, यहाँ पे दो बस स्टैंड है भाई, समझ नहीं आता एक ये नया बस स्टैंड है, पता नहीं ये नया है या वो नया है। आ गई गाड़ी, पहुंच गए भाई वर्कशॉप पे, भाई भी गए थे और सर आए लेने के लिए भाई के साथ। वो तो अचानक से ही, भाई के सर के बेटा हैं वो बाहर हैं कनाडा, तो वो भी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने बोला मिलके जाना, भाई जा रहे थे दिल्ली तब तक मैंने इनको फ़ोन किया, तो ये खुद कहीं काम से जा रहे थे, फिर भाई भी आके लेने के लिए। बस अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, भाई को भी जाना दिल्ली, तब तो आते जाते मिलते रहेंगे क्योंकि अब मैं यहीं हूँ। वो 10 चक्कर इसमें कलर हुए, बाहर आके दिखाता हूँ बाद में जो जो काम हुआ है यहाँ पे अभी। और भाजी बढ़िया मैं भी इसलिए आ गया यार, घर में मन नहीं लग रहा था। और ना घर पे अब एक बात हो रहा है, कोई कंटेंट भी नहीं था यार, 3 दिन से मैंने ब्लॉग पे ब्लॉग डाला ही नहीं, कोई वीडियो भी, तो उससे अच्छा यार यहाँ पे आएंगे उसको वीडियो डालेंगे। हाँ सबसे मिल लिया, सब चले गए, उसके बाद आ गए अपनी गाड़ी के पास। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी इस पे हो गया देखो यार। अब इस पे एक चीज़ का थोड़ा सा फर्क है, इस पे ना बत्तों में कलर नहीं किया, मतलब उनकी अपनी मर्जी थी भैया की, ये भी पूरी तैयार हो गई है देखो, इस पे बत्तों में कलर नहीं किया उनका अपना था। पर यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कलर करके सही है, जब देखना इसकी बॉडी लगेगी, बॉडी का कलर कुछ और होगा ना, तो नीचे बत्तों का कलर कुछ अलग ही दिखेगा। बाकी सारे चले गए, दो भाई आई हैं भाई की गाड़ी, शायद भाई भी चले जाते अगर भाई की गाड़ी मार जाए खड़ी होती, क्योंकि उन्हीं दिनों में काम शुरू हुआ ना आपका, तो इंसान का दिल ही नहीं करता छोड़ने का। तो ये हो गई है पूरी कंप्लीट, ये वही 12 चक्का जो पहले वहाँ पे खड़ी थी, अब वहाँ पे चली गई है चाचू वाली गाड़ी, एफ टी सी वाली गाड़ी। और ये देखो ये बन रही है अंदर से, अब इस पर लकड़ वगैरह लग रही है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये देखो इस पर हो गया ना सर माइका वगैरह तैयार। और जो 6 चक्का भी रहती है उसका जो है वो कह रहे थे जो मालिक है वो आएगा, बाकी सारी तैयार हो गई, छोटा मोटा काम और अंदर से कैमरा रहता है। और चाचू वाली गाड़ी पे तो ये सारे बत्ते वगैरह लग गए, इसका काम हो जाएगा जल्दी जल्दी स्टार्ट। इसका और इसका होगा इनमें से, अगर जब जे और जे निकलेगी ना तो ये आगे हो जाएगी, मेरी गाड़ी यहाँ आ जाएगी इसके बराबर में, या यहाँ पे आ जाएगी, फिर आगे तीनों का धीरे धीरे काम होता रहेगा जैसे 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 जाला सबका बांधने का। अब क्योंकि एक गाड़ी और 14 चक्का आ गई है नहीं आ यहाँ पे, अब उसका तो वो 10 चक्का कलर हो गया, अब इसका कलर होना देखो यार इसका कलर कैसा करवाते हैं। अंदर से भी ये सही लग रही है यार, फिर लाइट भी इसके अंदर से दिखाता हूँ मैं। इन्होंने ऐसा बना दिया यहाँ पर चार्जर वगैरह रखने के लिए, सही किया, मैं भी चीज़ सोच रहा था। बाकी ये तो यहाँ पर नंबर प्लेट आएगी, वो तो ये पड़ी है नंबर प्लेट। बाकी एक बार ये सरमाइका का चेक करो भाई, बताना कैसा लग रहा है, अगर हम भी ऐसा लगवाएं तो कैसा रहेगा भाई, कौन सा सरमाइका लगाना चाहिए। अपना नहाना धोना भी हो गया, हम मैं सोच रहा हूँ ना वो राहुल भाई उनके पास चेक करूँ, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था तो बाइक की चाबी ली, तो मैं थोड़ा गेड़ा गुड़ा मार के आते, दो दूसरी गाड़ियाँ बन रही थी उनके पास भी। और अपन टाइटल से देख लिया होगा भाई 81-99 सीज़ होगी, उसका क्या रीज़न था तो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता ही दूँ, मतलब मसला क्या था। मैं जैसे ही घर गया ना मुझे बिहार से फ़ोन आया, वो शायद पटना से आया, पटना किसी थाने से, वो सब इंस्पेक्टर सर का फ़ोन था, तो उन्होंने बात की, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बात की ना मैं डर गया, उन्होंने बोला 81-99 में आपके, मतलब हाँ जी बोल रहा हमने सीज़ कर दिया। मैंने सर आप कहाँ से बोल रहे, बिहार से। मेरे दिमाग में यार जेश तो यूपी गया था, गाड़ी बिहार कैसे पहुँच गई। फिर बातचीत तो ये सबको पता है ना, जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको पता होगा 1 साल पहले मेरी गाड़ी को चलान हुआ था फेक चलान, हालांकि वो गाड़ी की ब्लैक शो थी, जो ये गाड़ी पकड़ी गई इसकी ब्राउन शो है। वो आज जब भी मैं ब्लॉग शूट करूँगा, अभी तक फोटो नहीं आया, शायद उस गाड़ी की फोटो आ जाएंगे मेरे पास, तो वो सेम गाड़ी 81-99 10 चक्का गाड़ी, उसमें शराब लोड थी। आपको पता है बिहार में शराब बैन है, तो उस गाड़ी में थी शराब लोड, तो वो गाड़ी बिहार गई और जाके उन्होंने सीज़ कर दी। उन्होंने मेरे से पूछा ये गाड़ी आपकी है,
मतलब उन्होंने गाड़ी नंबर निकाला तो उसमें ओनर ने मेरा आ गया, फ़ोन नंबर मेरा था, मेरे को फ़ोन किया, मतलब ऐसे ऐसी मेरी कोई गाड़ी नहीं है, मेरी एक ही गाड़ी है वो अभी बनारस में खाली हो रही है सेब। तो मतलब उन्होंने बोला ठीक है आप अपनी आरसी भेजिए, तो मैंने अपनी गाड़ी की आरसी भेजी, तो उन्होंने आरसी नंबर और चेसी नंबर मिलाया, वो नहीं था उसका, तो मेरी गाड़ी का था क्योंकि हमारा तो सही है काम, वो दो नंबर का चला रहा था। फिर उन्होंने बोला मैं उसका ड्राइवर था हरपाल सिंह, बोले हरपाल सिंह जानते, मैंने नहीं जानता, तो वो गाड़ी भी सीज होगी। तो मैंने बोला मेरे को साथ पहले भी चलाना हुआ, तो उन्होंने बोला आप एक FIR कॉपी अपने थाने में कर दो कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी का कोई मिस यूज़ कर रहा है मेरे नंबर का, तो कल आप पे कहीं केस ना आए, तो अभी तो आपको आपके ऊपर कोई बात नहीं है। तो मैंने आज भी सुनील को बोझा अपने भाई को एप्लीकेशन वगैरह लिखवा दिया, कल अपने हम जो अपना थाना पड़ता है धर्मशाल वहाँ पे एप्लीकेशन मार करवा लेंगे, एक कापी उनके पास एक कापी हमारे पास, तो ठीक है कम से कम एक तो पकड़ने को, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ से चलती हैं कितनी और उनके नंबर प्लेट में। कभी दिलावर भाई बात सुना, उनकी पहचान की गाड़ी थी ना वो भी, उसका भी कोई ऐसा ही नंबर का मसला था, तो देखो शराब में हुई कल कोई मर्डर कर दे, पर है कि हमारे पास अभी हम डेली वीडियो बनाते हैं, हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है, प्रेजेंट लोकेशन हमारी गाड़ी की कहाँ पे है, तो देखो मतलब क्या ही होता है। तो वही था जैसे मैं डर गया, उन्होंने बोला हेलो मेरा जी कैसे नाम है आपकी है, मेरा जी 8199 मेरी है, हमने गाड़ी सीज़ कर दी है। तो मानो ना मेरे जान निकल गई एक मिनट में, यार मतलब अभी ये बनी नहीं है, मतलब 8199 सीज़ भी होगी यार कैसे नहीं में। तो फिर जैसे उन्होंने बात करना शुरू की, बोरे 10 चक्का मिला, 10 चक्का मतलब इंसान डरता तो है ना, मेरे बोला यार जेश और सेब भर के कहते शराब कहाँ से लोड होगी, तो है कि अब सब सही हो गया कोई टेंशन नहीं है। बस मैंने भाई से मंगवाई चाबी, पर चाय भी मिलती तो हम चलते हैं। यहाँ पे एक नई 14 चक्का आ गई है ये अभी तैयार होने के लिए, हालांकि मेरे बाद आई ऐसे पहले मेरी गाड़ी हो जाएगी तैयार, वो ये फटे इस गाड़ी के, मुझे लगा मेरी गाड़ी के हैं, शायद मेरी गाड़ी की भी आज कल तक आ ही जाएंगे। अब इस गाड़ी का चल रहा है ना काम अच्छे से जोरों शोरों से, अब ये दो गाड़ियाँ निकले ना फिर, अब तो मैं यहीं हूँ यार, कहीं भाई इतने मिलने के लिए आते हैं तो वो परेशान होते हैं यार। शाम के रात के 8 बज गए और मैं जा रहा अपनी वर्कशॉप पे, भाई की गाड़ी होगी तैयार, बस भाई निकलने वाले, TTR एक ही सेट भी होगी तैयार, पर ये तो पुरानी गाड़ी है कुछ काम से आई थी तैयार होने के लिए, ये भाई बढ़िया नई गाड़ी तैयार हुई है अभी। सही है यार, देख जो गाड़ी अगरतला वगैरह चलती है ना गुवाहाटी, वहाँ पे इतनी ख़राब रोड है ना, डंडा पूरा ही काटना पड़ता है, अभी तो वो बिल्कुल नई बनी है, वो गई नहीं कभी ना, ये चक्कर लगा के इन्होंने देखो पीछे डंडा रखा ही नहीं, मतलब इतनी गाड़ी नीचे लगती है, ये प्लेटें तक नीचे लग जाती हैं, इतना ख़राब रास्ते में जाती हैं गाड़ियाँ ये, इस पर तो है अभी डंडा, पर ये भी ना काफ़ी काट के काफ़ी ऊपर करके लगाया छोटा सा, और इतनी टेप सही रहती है देखो बिल्कुल सिंपल, बस दो तीन चीज़ें लिखाई हैं भाई शर्मा जी। भाइयों से गपशप मार के हम आ गए, करे चले मिस्त्री जी चले करे, मैं भी पानी भर लूँ खाने वाला, भाई को बोल के रखा शायद खाना आने वाला होगा तो पानी भर लेते हैं यहाँ पे ठंडा, बिल्कुल आगे आगे तुसी जी, मैं रोटी आने वाली होनी है पानी भर लीजिए ठंडा। खाना आ गया, आज दो ही रोटियाँ आई, दो या तीन आई होंगी, तीन रोटियाँ और चावल आ गए, ये क्या है ये आ गई दाल, सही है यार खाना वगैरह खा लेते हैं फिर करते हैं आराम, क्योंकि दिन में ट्रेन में आज मैं बड़ा खजल हूँ, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना बेकार निकला, अपना हो गया था तब तो मैं जल्दी सो गया क्योंकि मैं पूरा थका पड़ा था ट्रेन पे आया था। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक अंदर ब्लॉग पर, और नए ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे देखो चेसिस आ चुकी हैं और किसकी गाड़ी आई है और 10 चक्का कैसे तैयार हुई, वो सब चीज़ें आपको नए ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो भाई ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तो मिलते हैं एक अंदर ब्लॉग में, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ अपना चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और फेसबुक पे फॉलो करें। और एक चीज़ और कहता है, फेसबुक में अपना एक फेक पेज बहुत बने हुए हैं, तो अपना जो रियल पेज है उसका नाम है अनुज ब्लॉग, उस पर 408,000 के आसपास भाई फॉलोअर्स हैं।